हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा। गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा। गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण।